बटेश्वरनाथ के दर्शन का कार्यक्रम रद्द होने से क्षुब्ध भाजपा नेता डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित रणनीति के तहत आनन फानन में अनुमति को निरस्त किया गया। इस कार्रवाई से हमारा कारवा रुकने वाला नहीं है। हम अपनी ताकत दिखाकर रहेंगे। कोई भी ताकत हमारी ताकत को कम नहीं कर सकती है। परसों के दिन आह्वान किया था कि बटेश्वरनाथ जी के दर्शन करने के लिए सोमवार को हम जाएंगे, तो उसके लिए एक विधिवत परमिशन कल सीपी साहब से बात हुई। सीपी साहब से बात होने का उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, उसको मैनेज करवाता हूँ। उसके बाद 12 बजे के लगभग मैं डीएम साहब को स्वयं खुद गया और उनको मैं परमिशन के लिए उनके ऑफिस में देके आया। डीएम साहब मिले नहीं, उनकी अनुपस्थिति में उनके सहयोगियों को अविनाश जी और आशु जी को देके आया मैं। और शाम को डीएम साहब से बात भी हुई रात को, तो उन्होंने कहा संडे था, कल सुबह जल्दी हम परमिशन करा देंगे। और सुबह ही आदमी हमने भेज दिया 10 बजे 9:30 बजे, और वो जाके ऑफिसों पर चक्कर काटता रहा और 12 बजे सूचना मिली कि आपको आपकी परमिशन निरस्त की जाती है। नहीं, ये राजनीतिक कोई प्रशासन के बाद दबाव हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, ये तो कलेक्टर बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। निर्वाचन अधिकारी से हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति भी अगर परमिशन कोई मांगता है तो लोकतंत्र में उसको भी परमिशन की आवश्यकता है और परमिशन उसको दी जाए। तो हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें तो परमिशन की आवश्यकता थी और हमने विधिवत परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था और परमिशन उनको देनी भी थी और आश्वासन भी दिया उन्होंने कि हम परमिशन आपको देंगे, लेकिन परमिशन नहीं दिए। तो अब जनता के बीच में गांव-गांव जाने का काम करेंगे और जो जनता का जनादेश होगा उसका पालन होगा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।